वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी चिकन स्पेगेटी। सबसे पहले जो चीज़ें इसके लिए हमें चाहिए वो है काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, पिसा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, ओरिगैनो 1/2 टीस्पून, सब्जियाँ कटी हुई और 500 ग्राम चिकन बोनलेस, उसके अलावा 500 ग्राम नूडल्स। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहले एक देगचे में पानी उबाल लें, उसके बाद उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल दें, 1/2 टीस्पून नमक का डाल लें, 500 ग्राम स्पेगेटी लेके उसको पानी में बॉईल होने के लिए डाल दें। नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा बॉईल हो जाए और वो हल्का सा ढीला हो जाए तो हम फिर दूसरे पोर्शन को नीचे कर देंगे। मैं इसको तोड़ के नहीं डाल रही क्योंकि बनने के बाद ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं अगर ये फुल साइज़ में होती। आठ से 10 मिनट तक इसको बॉईल होने दें और फिर इसको स्ट्रेन कर लें। अब इनको छान लें। एक टेबलस्पून ऑयल स्प्रिंकल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करें। एक पैन लें, उसको चूल्हे पे रखें और 2 टेबलस्पून उसमें ऑयल डाल दें। उसके बाद आप एक लहसुन जिसके 4-5 जवे आपने पीस के रखे हुए हैं उनको आप इस ऑयल में डाल दें। लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तो उसमें चिकन ऐड कर दें। मैंने जूलियन कट में चिकन लिया है, आप उसको क्यूब्स में भी ले सकते हैं। 1/2 केजी चिकन को अच्छी तरह पकने दें। चिकन को लहसुन की पेस्ट में पकने दें। जैसे ही चिकन का कलर ऐसे पका हुआ वाइट सा हो जाए तो उसमें आप 1-2 टेबलस्पून वाइट विनेगर के डाल दें, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट। इसके लिए जो मैंने सब्जियां ली हैं उनमें शिमला मिर्च 1 से 1.5 शिमला मिर्च, आप उसको इस तरह से क्यूब्स में भी काट सकते हैं और जूलियन कट भी कर सकते हैं। उसके अलावा कैरेट्स हैं, गाजरें हैं जो मैंने 2 अदद ली हैं और इनको भी मैंने डाइस कटिंग कर ली है। उसके अलावा मेरे पास कैबेज बंद गोभी है जिसको मैंने एक छोटा फूल लेके और बारीक बारीक कटवा लिया है। चिकन का थोड़ा सा पानी निकल आया, कुछ सोया सॉस और विनेगर का है, उसके अंदर इस चिकन को पकाएं। 2-3 मिनट स्पाइसेस में पकाने के बाद सारी कटी हुई सब्जियां इसमें ऐड कर दें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और कोई 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के रख दें ताकि सब्जियां थोड़ी सी गल जाएं। 2 से 3 मिनट कवर करके पकाने के बाद आप देखें इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। हमने सब्जियों के रंग को बिल्कुल चेंज नहीं करना, हमें इसे स्लाइटली सा चेंज करना है ताकि पकी हुई लगे, लेकिन ऐसी नहीं जिससे बिल्कुल कलर उनके ख़त्म हो जाए। अक्सर घरों में चिली गार्लिक सॉस होती है, उसके 2 टेबलस्पून ले लें और इसमें ऐड कर दें। सॉस ऐड करने के बाद देखें इसका कलर कुछ ऐसा रिच सा कलर आ गया जी। अब इसमें बॉइल्ड स्पेगेटी डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अभी हमारे नूडल्स बन चुके हैं। आप इसमें और भी मसाला ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर आपको काली मिर्च और ज़्यादा डालनी हो तो वो ऐड कर सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, और एंड पे मैं टॉप पे इसकी ओरिगैनो डालूंगी।
क्योंकि ऑरिगेनो का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें, तो आप इसको तकरीबन हाफ टी स्पून ऑरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। अब इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, मज़ेदार खाना तैयार है। और इसमें आप वैसे अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंगली कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक इसमें आप स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं और कॉर्न डाल सकते हैं, उसके अलावा आप ऑलिव्स डाल सकते हैं। ये सब आपके टेस्ट पे, आप ये सब चीज़ें ऐड करके भी इसको पका सकते हैं। मैं तो जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ खाने और इन्जॉय करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।